बजट सत्र के दूसरे दिन भी विपक्षी दल कांग्रेस ने सदन में खूब हंगामा किया। प्रश्नकाल से पहले धारा 118 पर मुख्यमंत्री जयराम के बयान पर विपक्ष ने आपत्ति जताई। मुख्यमंत्री पर विपक्ष को धमकाने का आरोप लगाया, जिसका जयराम ठाकुर ने पलटवार किया। प्रश्नकाल के तुरंत बाद नियम 67 में तबादलों पर विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लाया। विपक्ष का आरोप था कि मंत्रिमंडल के तबादलों पर रोक के बावजूद 20,000 तबादले हुए, जिन कर्मचारियों की मौत हो चुकी है और रिटायर होने वालों तक के तबादले आदेश जारी कर दिए गए। विपक्ष ने 2 माह पुरानी जयराम सरकार पर तबादला उद्योग चलाने का आरोप जड़ा। विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करवाने की व्यवस्था दी तो विपक्ष ने हंगामे और नारेबाजी के बीच वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के रवैये से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नाराज हुए। वॉकआउट पर जयराम ने सदन में कहा कि विपक्ष बेवजह नियम 67 में उन विषयों को ला रही है जो इस नियम में उठाए नहीं जा सकते। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने से पहले ही विपक्ष काफी आक्रामक नजर आया। कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सीएम पर कांग्रेस विधायकों को धमकाने का आरोप लगाया। इस पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने धमकी नहीं दी। इसी बीच दोनों ओर नोकझोंक होती रही, लेकिन प्रश्नकाल शुरू हो गया और मंत्रियों ने कई सवालों के जवाब देना शुरू किए। ठीक 12 बजे जैसे ही प्रश्नकाल खत्म हुआ, वैसे ही सिलाई के कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विपक्ष के विधायक जगत सिंह नेगी और नंदलाल की ओर से नियम 67 के तहत एक स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा को नोटिस दिया गया था। उसमें शिक्षा स्वास्थ्य जैसे महकमों में हो रहे तबादलों पर चर्चा मांगी गई है। सेवानिवृत्त लोगों और विधवाओं के बीच स्थानांतरण हो रहे हैं। नियमानुसार 2 साल की सेवानिवृत्ति से पहले तबादले नहीं हो सकते। स्पीकर राजीव बिंदल ने साफ किया कि नियम 67 के तहत ये चर्चा नहीं हो सकती। विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और किन्नौर के कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेकी ने भी नियम 67 पर चर्चा करवाने पर जोर दिया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी कहा कि किसी और नियम पर सरकार चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष नारेबाजी करता रहा और वॉकआउट कर सदन से बाहर चला गया। फिर सदन की सारी कार्यवाही बगैर विपक्ष के ही चलती रही। भोजना अवकाश से पहले ही सदन की बैठक दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष की गैर मौजूदगी में सरकार ने 3,327 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट मांगों के हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2018 को पारित किया। अध्यक्ष बिंदल के विधेयक पर चर्चा के अवसर देने पर भी किसी ने उसमें भाग नहीं लिया। बिना चर्चा के ही विधेयक पारित हुआ। इससे पहले वाणिज्य विश्वविद्यालय नौणी और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में 2 सदस्यों को सीनेट में मनोनीत करने का प्रस्ताव बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दिया। विधानसभा में भू अधिनियम की धारा 118 को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही सीएम के उस बयान पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने धारा 118 को लेकर चेहरा उजागर करने की बात कही है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जांच कराने की चेतावनी से विपक्ष नहीं डरेगा। विपक्ष ने कांग्रेस के विधायकों के चेहरे उजागर करने और सदन में बैठने के लायक होने की बात पर कड़ा विरोध कर हंगामा किया। विपक्ष की ओर से किए गए हंगामे के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष धमकी दे और हम चुप रहें, ऐसा नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष की ओर से विधानसभा सत्र की शुरुआत ठीक नहीं रही। सरकार को 2 महीने का कार्यकाल हुआ है, ऐसा कोई काम नहीं किया गया जिससे किसी को ठेस पहुंची हो। आरोप तब लगाए जाते हैं जब कुछ किया हो। अगर विपक्ष बात समझता तो बीते मंगलवार को ही मामले का हल हो जाता। उन्होंने विपक्ष से कहा कि भू अधिनियम की धारा 118 को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सदन में बहुत कुछ कहा, लेकिन बाहर जाने पर सदन में स्थिति स्पष्ट हो गई। उन्होंने विपक्ष से कहा है कि इस तरह का गुस्सा वाजिब नहीं है, विपक्ष सदन में व्यवस्था कायम रखे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जब भू अधिनियम की धारा 118 को लेकर स्थिति स्पष्ट कर रहे थे तो उस दौरान बीच में कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सीट पर खड़े होकर बयानबाजी शुरू कर दी। इस बीच सदन में और तकरार पड़ गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शब्दों के तीखे वार होते रहे।